हेलो जी, सत श्री अकाल। लो जी, तुहाडे अगे लैके आ गया एक होर नवी रेसिपी, मिठी मट्ठी। मिठी मट्ठी तो तुहाने बहुत बार सुनी होएगी, पर विदाउट शुगर विदाउट गुड़। अज आपां रेडी करांगे मिठी मट्ठी। तो तुसी सोचते होंगे जे गुड़ ते शुगर नहीं पाना तो आपां किस तरह यह मट्ठी बनावांगे। जिहड़ी अपनी चाशनी लैफ्ट ओवर अपने त्यौहारां दे टाइम जदों गुलाब जामुना दे डब्बे आंदे आ पैकिंग वाले, उहदे विच बच जांदी है, उस तो आप मठियाँ रेडी करांगे। जे तुहानू रिमैंबर होवे, इस तरह के टीना दे विच चाशनी बहुत बच जाती है, तो असी उनू लैफ्ट ओवर चाशनी नू थ्रो कर देने हैं, वह बहुत काम आती है। तुसी उतो मठियाँ बना सकते हैं, तो मठियाँ बहुत ही खस्ता बनदियां ने। चलो शुरू कर दिया रेसिपी। सब तो पहला एक बाउल लै लो, उहदे विच 1 कप ऑफ आटा एंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ सौंफ, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट मिठे नू एनहेंस करता है। तो अपने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल दे अपने आटे विच पा देने ने। जो इस तरह आप आटे विच ऑयल पाते हैं उसनू मोन कहिंदे आ। इह अपने आटे नू अपने चंगी तरह ऑयल च मिक्स करना। जो अपने आटे की बाइंडिंग लाइक मुठ्ठी बन जाए, दैट मीनस अपना आटा रेडी है। तो हूँ अपने अपने आटे का डो बनाना, तो डो बनाने लिए अपने पानी का यूज़ नहीं करना। हूँ आप 1/2 कप ऑफ चाशनी लवेंगे, तो चाशनी के नाल ही आप अपना आटे को गुन्नांगे। अपने पानी ना नहीं, चाशनी नाल ही आटे को गुन्न लेना। तो 1 कप आटे च 1/2 कप ऑफ चाशनी, तो अपने एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। तो चंगी तरह अपने अपनी चाशनी नू आटे दे विच मिक्स करके सारिया चीज़ों नू, तो अपना डो सॉफ्ट जिहा रेडी कर लिया। तो सौ डो रेडी होने तो बाद अपने वो उत्ते थोड़ा जा ऑयल ला के इसनू क्लिंग रैप या फिर अपने किसी कपड़े दे नाल या फिर कोई प्लेट दे नाल ही कवर कर देना है, कि एयर उसके अंदर ना जाए। तो इसनू 1/2 आवर लिए साइड पर रख देना है। लो जी, 1/2 आवर हो गया। तो हुण आप अपना आटा चैक कर लैंदे आ। आटा ऑलमोस्ट रेडी है। उहनू चंगी तरह थोड़ा जा मसल लैना 2-3 मिनट लई, तो अपना आटा इस तरह का होना चाहिए सॉफ्ट। हुण आप अपने डो नू सिलंड्रिकल शेप दे विच कर लांगे, कुछ इस तरह जिदा आप पूरियां दे आटे नू करदे हुंदे आ। ते उस नू नाइफ दी हैल्प दे नाल छोटे छोटे उहदे पीसिस कट लांगे। ते दोस्तों, जे तुहानू साडियां वीडियां चंगीयां लगदियां होण तां उस साडे चैनल नू जरूर सबसक्राइब करना। ते आपां ने अपने आटे दे पेड़े बना लैणे आ, जिस तरह तुसीं देख रहे हो। बहुत ज़्यादा अगर राउंड नहीं भी बनते, अनईवन भी बनते आ, सगो अनईवन मठियां बनिया हुई ज़्यादा वधिया लगदियां ने। तो आपने अपने रोलिंग पिन के नाल ते बेलने दे नाल अपनी मट्ठी नू बेल लेना। तो इन्नी क मोटा रखना है मट्ठी नू, पतला नहीं करना बहुत ज़्यादा। लो जी, अपने अपन सारिया मठिया नू बेल लिया। हुण आपां एक फोक की हैल्प दे नाल जां नाइफ की हैल्प दे नाल अपनियां मठियां नू प्रिक करना, तां जो फुल्लन ना जदों आपां अपने ऑयल च पावांगे। आ देखो, इस तरह फोक लैके अपने इस तरह प्रिक कर लेना हर एक मठी नू चंगी तरह। तुसी सोचना मठियां बनानियां इन्नियां भी ईजी हो सकदियां ने, जदों तुसी इस रेसिपी नू ट्राई करना बहुत ईजी बनदियां ने। अपने लो मीडियम फ्लेम ते अपने ऑयल नू गर्म करके उहदे विच मठियां नू फ्राई करन लई हौली हौली पाना। ते आपने अपनी गैस दी फ्लेम नू हाई ते बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल मिठी आंच ते आपने अपनियां मठियां नू फ्राई करना। इस तरह आपने अपनियां मठियां नू ऑयल दे विच फ्राई करन लई पा देना। इन्नियां भी ज़्यादा नहीं पा देनियां कि वह आपस दे विच ओवर क्राउडिड हो जाए, उन्नियां क पानियां ने जिन्नियां को चंगी तरह आप उन्हां नू पलट सकीए। ते दूजी गल, आपने अपनी मठियां नू जद तक वह ऑयल दे उपर नहीं आ जांदियां उन्हां दी साइड नू चेंज नहीं करना। जदों अपने आप ही उपर आके उन्हां दा थोड़ा जिहा कलर चेंज होण लगेगा, तद आपने अपनियां मठियां दी साइड चेंज करनी आ। सारियां मठियां दी साइड हौली हौली चेंज करन तो बाद जदों तुसीं मठियां दी साइड चेंज करनी, तुहानूं इह फील होना मठियां बहुत सॉफ्ट ने। डोंट वरी, इह थोड़ियां जिहियां इसे तरह होंदियां ने, लेकिन ठंडियां होण तो बाद उन्हां ने प्रॉपर मठियां क्रंच उन्हां दे विच आ जाणा। चंगी तरह अपनियां मठियां नूं फ्राई कर लो। मैनू थोड़ियां जिहियां ज़्यादा डार्क ब्राउन पसंद ने। तुसीं अगर लाइट भी रखना चाहते हो, तुसीं लाइट अपनियां मठियां नूं पहलां ही कट सकदे हो। मैनू थोड़ा जिहा लाल रंग जदों आ जांदा है तां इदां लगदा है जिवें गुड़ दियां मठियां होण। लो जी, एक प्लेट ते पेपर टावल लै के आपने अपनियां मठियां नूं सारियां नूं हौली हौली ऑयल दे विचों निकाल लैना। खुशबू भी बहुत सोहनी आ रही है, बहुत ज़्यादा सोहनी, सौंफ दी, मिठे दी। ते आपने अपनियां मठियां नूं 20 तों 25 मिनट लई ठंडे होण लई साइड ते रख लैना,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੰਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰੰਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੰਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੰਚੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਰੈਸਪੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।